हाय गाइस मैं हूं सारिका और मैं आदित्य वेलकम टू योर नॉलेज बेरी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के बीच में ये जो टेंशन हो रही है क्या हो रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में इसका क्या इम्पैक्ट है आप लोगों पे अगर आपको पढ़ाई करने के लिए जाना है क्या ये राइट टाइम है आपके लिए कैनेडा या आपको कोई और कंट्री चूज होना चाहिए और बहुत सारे अपडेट आए हैं यूनिवर्सिटी से और वीजा बैन के भी बहुत सारे न्यूज हमने देखे पर ये सारे न्यूज जो है क्या स्टूडेंट्स ने सही से समझा है या नहीं ये सब हम लोग आज पूरे डिटेल में बात करेंगे तो अगर ये टॉपिक आपके लिए कोई भी इंटरेस्ट है मेक श्योर यू कीप टिल एंड एंड अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है लाइक यूके यूएस यू कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और एनी अदर यूरोपियन कंट्री आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो हमारी टीम तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आदि सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया और कैनेडा के बीच में अभी ये जो स्टार्ट हुआ है ये क्या स्टार्ट हुआ है जस्ट गिव अ लिटिल बैकग्राउंड टू एवरी वन सो दे अंडरस्टैंड आई थिंक सबको पता होगा लेकिन

रहे हैं करना चाहते हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है वो बोला है कि कनाडा बिल्कुल सेफ नहीं है आपके ट्रेवल करने के लिए वहां बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं जो

पहली कैटेगरी है कि जो इंडियंस कनाडा में रह रहे हैं

उनके ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि okay. वो आराम से इंडिया से कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं वो अपना जो वीजा है वो एम्बेसी से इशू करा सकते okay. हैं शायद थोड़ा डिले होगा जो अभी लोग कह रहे हैं कि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से लेकिन आपको भी वीजा आसानी से मिल जाएगा इसका okay. जो इम्पैक्ट होगा वो होगा फोर्थ कैटेगरी के ऊपर जो कैनेडा के सिटीजन है और उनके पास इंडिया का ओ कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है उनको इंडिया ट्रेवल करना है और उनको चाहिए वीजा आदर टूरिस्ट वीजा और बिजनेस वीजा वो इंडिया आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उनका वीजा के लिए वो अप्लीकेशन नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने इसको टोटली बैन कर दिया है

अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी फीस ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स हो जाती है Correct. तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंडियंस का इन कनाडा की जो फीस में और उनके जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन में वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है Correct. अगर और दूसरी बात ये होता है कि मैंने देखा है जो आपकी कंट्रीज वगैरह होती है यहाँ पे जैसे ही लोग अगर सोचेंगे इसके बारे में तो यूनिवर्सिटीज को तुरंत अपोज करने लग जाएंगे क्योंकि पहले भी ये चीज एक बार यूके में हुई थी कि लोगों ने कहा था कि इंडस्ट्रियल स्टूडेंट का इंटेक हम थोड़ा कम कर देते हैं तो यूनिवर्सिटीज तुरंत अपोज करने के लिए आ गई थी कि हमारे एक्सपेंसिस कवर नहीं होंगे हम कहा से फीस कवर करेंगे हमारा ये रिसर्च का जो प्रोसेस है वो अटक जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए बट ये खाली

तो मैं कहूंगा आपको अपनी जो आ, अपना इनटेक है उसको आपको डिले करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि पोलिटिकल सिनेरियो इतनी जल्दी इतना कुछ खराब हो गया शायद फ्यूचर में मेरे को नहीं लगता जल्द ही कुछ इंप्रूव होने वाला है ये और ही खराब होगा तो उस सिचुएशन में आपको पूरा पता होना चाहिए कि वहां कंट्री के में क्या चल रहा है क्योंकि बहुत हमने पास में देखा है रशिया यूक्रेन वॉर का देखा हुआ है इशू हुआ है सेम थिंग किसी भी कंट्री के सिटीजन के लिए उनकी कंट्री सबसे ऊपर होती है और कैसे ही आपका मीडिया भी पूरा निगेटिव रोल प्ले करता है जैसे लास्ट टाइम कोविड में यूके में ही हुआ था तो एक कंट्री के सिटीजन

बाई चांस अगर आपको घर नहीं मिला तो आपका एक ऑप्शन रहेगा आप जा सकते sure. आपके हो आपके स्पॉट जॉब नहीं होगी वो आपको सपोर्ट कर देंगे hmm. बट अगर आप उस कंट्री के लिए बिल्कुल नहीं हो तो मेरे हिसाब से आपको अभी अवॉइड करना चाहिए hmm. और देखना चाहिए कि, कि कंडीशन फ्यूचर में कहां पे जा रही है आई एग्री विद और ये हम लोगों का सिर्फ पर्सनल सजेशन है आप लोगों को गिव इन दी करेंट सिचुएशन क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट फाइनल डिसीजन आप लोगों को लेना है बेस्ड ऑन दरेंट और आपको जो सही लगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफ नॉट कैनाडा विच कंट्री स्टूडेंट्स गो टू बेसिकली उसके अलावा आपके बहुत सारे ऑप्शन है यूके की कंडीशन मेरे हिसाब से इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे देखिए लास्ट में अभी मैं बात करूँ तो अभी इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल में आया हुआ है यूके के अंदर yeah. और इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ का जो आपका बैंक का होता है बेस रेट उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने पॉज कर दिया है बढ़ाया नहीं है mm. जो पिछले दो साल से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था mm. तो कुछ आप यूके को ऑप्ट कर सकते हो कंडीशन बेटर हो रही है मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से बेटर हो चुका है बट यूके रिकवर कर रहा है जितना mm. मेरे को समझ में आता है जितना मैं डेली घर से निकलता हूँ mm. मैं देखता हूँ mm. तो यूक रिकवरी कर रहा है आप यूके ऑप्ट कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया ऑप्ट कर सकते हो और न्यूजीलैंड ऑप्ट कर सकते हो बहुत लोग यूरोपियन कंट्रीज को प्रेफर करते हैं मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह अभी यूरोपियन कंट्रीज में आए हैं तो आप वहाँ वहाँ के लिए ऑप्ट कर सकते हो तो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन आपको क्या फेवरेबल